दिस इज बेसिकली लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि पेरेंट्स और जो गार्जियंस हैं वो अपने चाइल्ड के लिए करते हैं। Hello everyone, this side Himani and in today's video I am going to tell you about some government scheme that is launched by the government. This is NPS Vatsalya scheme. So what is this? So NPS Vatsalya scheme is a national pension scheme that is launched by the government. In this scheme Vatsalya scheme is scheduled to be launched on September 18, 2024 by our finance minister Nirmala Sitharaman. So this is the scheme launched by the government, finance government, that is Nirmala Sitharaman. So in this scheme, what is the aim of this scheme? So aim of this scheme is to design to enable parents and guardian to secure their children financial future from infancy by investing in long-term retirement saving plan. So what is this? This is basically like lifetime investment plan hai jo ki parents aur jo guardians hai wo apne child ke liye karte hain. Suppose wo kaise invest karte hain? Iska jo announcement tha, the scheme was first introduced in the union budget 2024-25, positioning it is as a child focused extension of the existing national pension system NPS. So ये एक स्कीम है NPS जो कि लाइक जो पेरेंट्स होते हैं अपने स्टूडेंट्स जो अपने चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए इन्वेस्ट करते हैं इस स्कीम में. इसमें क्या होता है कि वो अपने जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है. लाइक जैसे पेंशन होती है आफ्टर 18, मतलब वो जब 18 से कम एज होती है उनकी, तो इसमें क्या होता है कि गार्जियन जो होता है उनका एक अकाउंट ओपन करवाते हैं, दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम के थ्रू. देन उसके बाद जब वो एक माइनर उसमें होता है, माइनर मतलब 18 से कम होता है, देन जब वो 18 से प्लस हो जाता है मेजर में, तो उसका जो होता है वो जो चाइल्ड होता है वो उसके डायरेक्ट उसमें अकाउंट में वो उसका होल्डर हो जाता है. सो इसमें कोई ऐसी इसका जो एलिजिबिलिटी देखते हैं हम क्या होती है. कम टू द एलिजिबिलिटी, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस स्कीम का. हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है इस स्कीम के लिए? पेरेंट्स और गार्जियंस ऑफ चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर कैन ओपन एन अकाउंट अंडर द NPS वत्सल्य स्कीम. मैंने अभी आपको बताया अंडर NPS स्कीम के अंडर इसमें जो होता है कि जो पेरेंट्स हैं जिनके जो उनके चिल्ड्रन है बिलो 18 है उनके लिए वो अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं. द स्कीम इज ओपन टू इंडियन सिटीजन, नॉन रेजिडेंट इंडियंस एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. सो ये लोग इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने चिल्ड्रंस के लिए. और इसमें एज लिमिट क्या होगी? कम टू द एज लिमिट. So what is age limit? The scheme is specifically for minors. Minors means, as I told you, जो कि under 18 होते हैं. So ये उनके लिए scheme है specially. Once the child turn 18 year, एक बार जब child है वो 18 plus हो जाता है, so then the NPS Vatsalya account ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन इन टू अ रेगुलर NPS अकाउंट. सो वो जो होता है जब वो 18 का हो जाता है, लाइक उसका मेजर एज में आ जाता है, 18 प्लस हो जाता है, सो वो ऑटोमेटिकली जो होता है वो रेगुलर उसमें कन्वर्ट हो जाता है अकाउंट में. मतलब उसमें कोई नीड नहीं होती कोई डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो ऑटोमेटिकली जब वो 18 प्लस हो जाता है सो वो रेगुलर अकाउंट में खुद ही ट्रांसफर हो जाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर. कॉन्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर में क्या है? मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन इस स्कीम में क्या कर सकते हैं? इट्स डिपेंड ऑन द लाइक फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द गार्जियन और लाइक हु इज इन्वेस्टिंग देयर चिल्ड्रन. सो उसमें क्या हो सकता है मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन? द मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन अकाउंट अंडर द NPS वत्सल्य स्कीम इज 500 पर मंथ. आपको 500 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करना है अपने चिल्ड्रंस के लिए,
और 6,000 एनुअली, और मिनिमम जो है 6,000 एनुअली आपको इन्वेस्ट करना है इस स्कीम में. सो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे. लाइक एक जो आपके चाइल्ड है उनकी एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स होगी इसमें. और उसमें क्या होगा कि लाइक उनको एजुकेशन में या फिर उनको कभी मेडिकली या किसी भी एक पॉइंट पे उनको नीड होगी, सो वो अपना इसमें इन्वेस्ट जो किया है कुछ पार्ट उसमें से वो यूज भी कर सकते हैं. सो ये इतनी बेनिफिशियल स्कीम है. नाउ कम टू द पॉइंट. सो मिनिमम इसका क्या है 500 एंड मैक्सिमम वो मिनिमम एनुअली कितना होगा 6,000. नाउ कम टू द मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन. मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो उसमें, देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी. इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं. कॉन्ट्रीब्यूशन एनुअली अलाउइंग फैमिलीज फ्रॉम डाइवर्स फाइनेंशियल बैकग्राउंड टू पार्टिसिपेट इन द स्कीम. इसमें आप जितना भी आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इट्स टोटली अप टू यू, आप उतना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अकाउंट ट्रांजेक्शन. अकाउंट ट्रांजेक्शन इसमें क्या होता है, वंस द चाइल्ड रीचेज एडल्टहुड, मतलब वो 18 ईयर्स का होता है, द अकाउंट कन्वर्ट इंटू अ रेगुलर एनपीएस अकाउंट. मैंने अभी आपको बताया जैसे वो 18 का होता है तो उसके अकाउंट जो है वो रेगुलर एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है. कंटिन्यूइंग अंटिल द चाइल्ड रीचेज 60 ईयर्स ऑफ एज. जब तक कि वो चाइल्ड 60 ईयर्स की एज तक नहीं आता तब तक उसका ये अकाउंट रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट रहेगा. देन उसका क्या है, एट विच पॉइंट पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन, एट दिस पॉइंट पेंशन डिसबर्समेंट विल बिगिन. इसके बाद क्या होगा कि जैसे आपका जो चाइल्ड है जब वो एडल्ट हो जाता है 60 की एज में आ जाता है तो उसके बाद उसको पेंशन स्टार्ट हो जाएगी. कुछ पार्ट आप उसमें से कर सकते हो अपना और उसका जो रिमेनिंग अमाउंट की होती है उसमें आपको पेंशन आना स्टार्ट हो जाती है एट द एज ऑफ योर 60, जब आप 60 के हो जाओगे. नाउ उसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर. कॉन्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर में क्या होगा, मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन, द मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन अकाउंट अंडर द एनपीएस वत्सल्य स्कीम इज 500 पर मंथ और 600 एनुअली. सो इसमें आपको 500 मैंने बोला पर मंथ होगा और 600 इसमें एनुअली होगा. एंड नाउ कम टू द पॉइंट, की बेनिफिट्स ऑफ द एनपीएस वत्सल्य स्कीम. इसके की बेनिफिट्स हम देख लेते हैं क्या है एनपीएस वत्सल्य स्कीम की. लॉन्ग टाइम सेविंग होती है. द स्कीम एनकरेज फैमिलीज टू इन्वेस्ट अर्ली इन अ सिक्योर रिटायरमेंट प्लान दैट मैच्योर्स आफ्टर द चाइल्ड टर्न 60. सो जब आपका जो चाइल्ड है वो 60 का होगा सो एक उसकी पेंशन अकाउंट बच जाएगा, मतलब उसको पेंशन आनी स्टार्ट हो जाती है. सो इससे क्या उसका बेनिफिट है, वो अपना इन्वेस्ट कर सकता है अपनी, अगर 60 से पहले भी अगर उसको कुछ इमरजेंसी है लाइक अपनी हायर एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, या फिर उसको कोई भी ऐसा अपना प्रूफ देना होगा जो एसेंशियल होगा तो वो बीच में भी यूज कर सकता है चाइल्ड, और आफ्टर 60 उनको एक पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉम्पिटेटिव रिटर्न. सिमिलर टू द रेगुलर एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, वत्सल्य प्रोवाइड्स कॉम्पिटेटिव रिटर्न्स. कॉम्पिटेटिव रिटर्न्स भी प्रोवाइड कराता है ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रॉस एसेट क्लासेस. लाइक इक्विटीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. हिस्टोरिकली एनपीएस इन्वेस्टमेंट हैव ऑफर्ड रिटर्न ऑफ 14% इक्विटीज. अगर आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपको 14% तक बेनिफिट भी होता है. 1.9% कॉर्पोरेट डेब्ट में होता है एंड 8.8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. यहाँ से आपको इतना बेनिफिट प्रोवाइड होता है. नाउ कम टू दैट इज ऑटोमैटिक, दैट इज ऑटोमैटिक ट्रांजिशन. वंस द माइनर टर्न 18 ईयर द अकाउंट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इन टू अ स्टैंडर्ड एनपीएस अकाउंट. सो वो जैसे 18 में होता है जो चिल्ड्रन होता है वो स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, रिक्वायरिंग नो एडिशन स्टैप फ्रॉम द अकाउंट होल्डर. सो इसमें कोई भी एडिशन स्टैप की रिक्वायरमेंट नहीं होती अकाउंट होल्डर को. वो ऑटोमेटिकली इतने आपका गार्जियंस ओपन कराते हैं जब तक वो माइनर एज में होता है, देन मेजर में कन्वर्ट होने के बाद या 18 प्लस होता है, 18 हो जाता है,
तो वो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें कोई भी एक अलग से स्टेप की कोई जरूरत नहीं है। सो बेसिकली ये स्कीम एक बेस्ट स्कीम है फॉर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो पेरेंट्स हैं अपनी अपने जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी क्या है, द स्कीम इज इजली टू एक्सेस, इजी होती है एक्सेस कर सकते हैं आप, विद ऑप्शन फॉर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग और बाय विजिटिंग फिजिकल ब्रांचेस ऑफ बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, मेकिंग इट कन्वीनियंट फॉर अर्बन एंड रूरल कस्टमर। सो जो ये अकाउंट आप इसे ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं और अपने नियर बाय कोई भी बैंक है आप वहां पे जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग, और आप अपनी जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस स्कीम को वो पूरा प्रॉपर आपको एक नॉलेज मिलेगी, आपको वो पूरा एक एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज एनपीएस वत्सल्य स्कीम, देन उसके थ्रू आप अपने बच्चे के लिए एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज गवर्नमेंट विजन बिहाइंड एनपीएस वत्सल्य। सो गवर्नमेंट का विजन क्या है एनपीएस वत्सल्य, क्यों लॉन्च किया है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसका मींस आपको क्या, कुछ ना कुछ तो ऐसा नहीं है कि कोई भी स्कीम लॉन्च हुई है तो वो रेंडमली हो गई है, उसका कोई ना कोई तो बेनिफिट जरूर होता है। तो उसमें क्या बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। नंबर वन जो इसका विजन है दैट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, द गवर्नमेंट हैज एम्फेसाइज द नीड फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टार्टिंग एट एन अर्ली एज। एनपीएस वत्सल्य अलाइन विद द बॉर्डर फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रेटजीज बिगिन एनकरेज एट द बोथ इंडिविजुअल एंड फैमिलीज लेवल। सो एक तो ये जो प्लान है ये बेनिफिट हो जाता है आपके लिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हो आप इससे, ठीक है, और आप एक अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करना आपको एक हैबिचुअल हो जाते हैं। देन प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, इससे होता है दूसरा विजन क्या है, प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी बाय प्रमोटिंग स्ट्रक्चर सेविंग एंड एजुकेटिंग फैमिलीज अबाउट रिटायरमेंट, और फैमिलीज को रिटायरमेंट के बारे में एजुकेट करना। प्लानिंग द गवर्नमेंट इज वर्किंग टूवर्ड इंक्रीजिंग फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया स्पेशली अमंग द इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस। सो इससे क्या है, एक गवर्नमेंट जो है अपना उस इस स्कीम के थ्रू मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं कि आप अपना इकोनॉमिकली कैसे इंडिपेंडेंट, और इसको आप अपना इकोनॉमिक का क्या डिसएडवांटेजेस आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सपोर्टिंग इकोनॉमिक गोल, दूसरा क्या आपका इकोनॉमिक गोल्स को सपोर्ट करना। द इनिशिएटिव ऑल्सो सपोर्ट द गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गोल, जो कि गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गोल्स को सपोर्ट करता है, बाय इंटीग्रेटिंग मोर सिटीजन इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंक्रीजिंग द कंट्रीज ओवरऑल सेविंग रेट। इससे क्या होता है, कंट्री की ओवरऑल सेविंग रेट्स भी एक इंक्रीज हो जाती है। सो इससे आपकी इकोनॉमिक पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, आप इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग बनते हैं। सो ये जो स्कीम है ओवरऑल काफ़ी अच्छी स्कीम है, सो आपको भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जो भी पेरेंट्स हैं उनको अपने जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी, जैसे वो 10 इयर्स के हैं या उससे और कम हैं। सो एक ये प्लान के थ्रू वो अपने बच्चे को एक बेटर फ्यूचर भी प्रोवाइड कर पाएंगे एंड उनको इसकी काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आफ्टर 60 उनको एक रिटायरमेंट भी, पेंशन के वे में उनको एक पेंशन भी ले सकते हैं। सो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। और सो ये जो ऑल अबाउट एनपीएस वत्सल्य स्कीम का पूरा एक ओवरव्यू था, होप सो आप इसको अच्छे से समझ गए हैं। थैंक यू।